प्रश्न सात है, गुणा कीजिए 54 × 56 सूत्र निकलम द्वारा। हम देखते हैं कि जो दो संख्याएं हमें मिली हैं 54 और 56, ये दोनों संख्याएं परस्पर, इनमें कोई अंतर अधिक नहीं है, एक 54 है दूसरा 56 है, अतः विचलनों के जो मान यहां हम ज्ञात करेंगे वो अधिक नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि दो संख्याएं हमें मिली हैं और दोनों संख्याओं में दो दो अंक हैं, दोनों संख्याओं में दो दो अंक हैं, अर्थात हम आधार 10 ले सकते हैं। तो हमने आधार ले लिया 10, आधार हम सुविधाजनक प्रश्न अनुसार लेते हैं, तो यहां क्योंकि दो अंकों की संख्याएं मिली हैं हमें दोनों, इसलिए हमने आधार ले लिया 10, आधार 10, 100 इत्यादि लिया जाता है। अब हमें उपाधार अंक चुनना है। उपाधार अंक हम इस प्रकार से लेते हैं कि हम आधार को गुणा करें और संख्या के निकट पहुंच सकें। तो यहां हमने उपाधार अंक ले लिया 5, क्योंकि यदि हम 10 और 5 को गुणा करेंगे तो हम संख्या के निकट 50 पे पहुंच जाते हैं। तो आधार गुणा उपाधार अंक हमारा कितना हो गया, 10 × 5 अर्थात 50। अब हम विचलन ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमने 50 आधार गुणा उपाधार अंक प्राप्त कर लिया है 50, तो हम संख्याओं का विचलन अर्थात संख्याओं में से इस आधार गुणा उपाधार अंक को घटाते हैं। तो घटाने से हमें क्या मिलेगा, घटाने से हमें यदि हम 54 में से 50 घटाएं तो हमें मिलेगा 4 प्लस का 4, और यदि हम 56 में से 50 घटाएं तो हमें मिलेगा प्लस का 6, अर्थात यहां हमारे विचलन हो गए प्लस का 4 और प्लस का 6। अब सूत्र अनुसार जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विपरीत संख्या का विचलन, और दक्षिण पक्ष में होता है विचलनों का गुणनफल। उपाधार अंक हमारा कितना है, उपाधार अंक हमारा है 5। संख्या यदि हम 54 लेंगे तो हमें उसका विपरीत विचलन लेना पड़ेगा, अर्थात हमें 6 विचलन लेना पड़ेगा। तो हमारा वाम पक्ष क्या हो जाएगा, 5, उपाधार अंक 5 है, उसको गुणा किया 54, और उसका जो विपरीत संख्या का विचलन है वो कितना है, 6। तो हमने 54 + 6 इस प्रकार से वाम पक्ष प्राप्त कर लिया। दक्षिण पक्ष में विचलनों का गुणनफल लिखना है, विचलन हमारे प्लस का 4 और प्लस का 6 है, विचलन 4 और 6 इन दोनों का गुणनफल कर दिया। तो हमने क्या प्राप्त किया, 5 × 60, 54 और 6 मिलके हो गए 60, और 4 × 6 दक्षिण पक्ष में आ गया 24, अर्थात मान कितना हो गया, मान हो गया 300 और दक्षिण पक्ष में आ गया 24। अब क्योंकि हमारा आधार 10 है, आधार 10 है, इसलिए ये 2 जो है इसे हमें दूसरे पक्ष में ले जाना है, 300 में जोड़ देना है, 300 में हम इस 2 को जोड़ देंगे और यहां दक्षिण पक्ष में 4 रह जाएगा। तो हमने क्या किया, इस 2 को 300 में जोड़ दिया, 302 तो हमारा वाम पक्ष हो गया, दक्षिण पक्ष हो गया 4, अर्थात सूत्र अनुसार हमारा गुणनफल कितना हो गया, 302 तो वाम पक्ष का आ गया और 4 यहां दक्षिण पक्ष में रह गया, आंसर हो गया 3024, अर्थात जो हमारे को दी गई संख्याएं हैं 54 और 56, इनका अभिष्ट गुणनफल है 3024। प्रश्न 8 है, गुणा कीजिए 108 × 112 सूत्र निकलम द्वारा। हम यहां देखते हैं कि जो दो संख्याएं हमें मिली हैं 108 और 112, वो परस्पर उनमें अंतर बहुत अधिक नहीं है, अर्थात सूत्र निकलम का प्रयोग किया जा सकता है। अब संख्याएं जो हमें मिली हैं वो मिली हैं 108 और 112, जिनमें हम आधार 100 लेना हम देखते हैं कि उपयुक्त रहेगा, आधार हमने ले लिया 100। अब हमें उपाधार अंक इस प्रकार से चुनना है कि हम इन दोनों संख्याओं के निकट पहुंच सकें। तो उपाधार अंक हम क्या ले लेंगे, उपाधार अंक हम लेंगे 1, क्योंकि 100 × 1 100 होता है, जो इन दोनों संख्याओं के निकट हम पहुंच सकते हैं, विचलनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम विचलन ज्ञात करते हैं, तो 108 और 100 × 1 अर्थात 100, तो 108 में से यदि हम 100 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है विचलन 8, 08 हमारा एक विचलन हो गया।
112 में से यदि हम आधार और उपाधार अंक का गुणनफल घटाएं, 100 घटाएं, तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें विचलन मिल जाएगा प्लस का 12। इस प्रकार हमें हमें विचलन प्राप्त हो गए 08 और 012। अब सूत्र अनुसार हम देखते हैं कि गुणनफल क्या होता है, उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विपरीत संख्या का विचलन, और दक्षिण पक्ष में होता है विचलनों का गुणनफल। उपाधार अंक हमारा कितना है? 1। संख्या हम कोई सी भी संख्या ले लें, मान ली हमने 108 ली, तो हमें विपरीत संख्या का विचलन 12 लेना होगा। तो वाम पक्ष क्या बन जाएगा हमारा? वाम पक्ष बन जाएगा 1, उपाधार अंक हमारा 1 है, 108 संख्या हमने ली, पहली संख्या ली, तो विपरीत संख्या का विचलन लिया, अर्थात हमने 12 ले लिया, 12 को उसमें जोड़ दिया। यह हमारा वाम पक्ष बन गया। दक्षिण पक्ष हो जाएगा विचलनों का गुणनफल, अर्थात 08 गुणा 12। 12 अट्ठे 96 होते हैं, तो हमें दक्षिण पक्ष में तो मिल गया 96, 108 और 12 इनका योग हो गया 120। अर्थात अब क्योंकि यहां दो अंक हैं, हमने आधार जो लिया है वो 100 लिया है, इसलिए यहां दो जीरो होते हैं आधार में, तो इसलिए दक्षिण पक्ष में 96 हमें मिला है, इसलिए हम 120 के साथ 96 डायरेक्टली लिख देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120 96। अर्थात जो गुणनफल है हमारा, अभिष्ट गुणनफल है, वो कितना हो गया? 12096। यह हमारा सूत्र द्वारा अभिष्ट गुणनफल हमने प्राप्त कर लिया 12096। प्रश्न 9 है, गुणा कीजिए 137 गुणा 9999 सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा। सूत्र का प्रयोग तभी हो सकता है एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र का, जब हमें जो दो संख्याएं गुणा हो रही हैं उनमें एक संख्या या तो 9 हो या 99 हो या 999 हो या 9099 हो, इस प्रकार से हो। अब जो दूसरी संख्या है उसको हम एक कम करके वाम पक्ष प्राप्त करते हैं, तो हमारा वाम पक्ष प्राप्त क्या होगा? वाम पक्ष हमारा हो जाएगा 137 में से हम एक को घटा देते हैं, 136 आ जाता है। एक संख्या तो हमारी 9999 है, इसके अलावा जो दूसरी संख्या है, यहां 137 हमें प्रश्न में मिली है, तो हम गुणनफल का वाम पक्ष कैसे प्राप्त करते हैं? 137 में से एक को घटा देते हैं, 136 यहां हमारे को मिल गया। और दक्षिण पक्ष हम कैसे प्राप्त करते हैं? वो हम प्राप्त करने के लिए 9999 में से जो 136 आया है उसको घटा देते हैं। तो हमें 9999 में से 136 घटाने से क्या मिलेगा? ये हमें मान मिलता है 9863। तो हमारा गुणनफल क्या हो जाता है? सूत्र के अनुसार हमारा गुणनफल हो जाएगा, 136 हमने पहले लिख दिया और उसके साथ में लिख दिया 9863। हमारा गुणनफल क्या हो गया? 136 हमने पहले लिख दिया वाम पक्ष और फिर हमने दक्षिण पक्ष लिख दिया 9863। इस प्रकार हमने सूत्र के प्रयोग से एक न्यूनीकरण सूत्र के प्रयोग से हमने गुणनफल प्राप्त कर लिया। प्रश्न 10, गुणा कीजिए 46 गुणा 99 सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा। यहां इस सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि जो दो संख्याएं गुणा हो रही हैं उनमें हमें एक संख्या मिली है 99। इस सूत्र का प्रयोग तभी हो सकता है जबकि दो जो गुणा संख्याएं हो रही हैं उनमें एक संख्या या तो 9 है या 99 है या 999 है या 9099 है, इस रूप में है, तभी इस सूत्र का प्रयोग हो सकता है। अब हम गुणनफल का वाम पक्ष कैसे प्राप्त करते हैं? जो दूसरी संख्या है अर्थात यहां जो 46 है उसमें से हम एक कम कर देते हैं। एक न्यूनेन से अभिप्राय क्या है? हमने जो दूसरी संख्या हमें मिली 99 के अतिरिक्त उसमें से हमने एक कम कर दिया, हमें मिल गया 45। और दक्षिण पक्ष हम कैसे प्राप्त करते हैं? दक्षिण पक्ष प्राप्त करने के लिए हम 99 में से जो हमने वाम पक्ष प्राप्त किया है उसको घटा देते हैं, कि हमने 99 में से 45 को घटा दिया, तो मान कितना आ गया? मान आ गया 99 माइनस 45 अर्थात 54। और वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों को साथ साथ लिख देते हैं, यह हमारा अभिष्ट गुणनफल होता है। तो हमारा गुणनफल कितना आ गया? पहले तो हमने वाम पक्ष को लिखा 45 को लिखा और उसके साथ में दक्षिण पक्ष को लिख दिया 54 को लिख दिया, तो हमारा अभिष्ट गुणनफल हो गया 45
और 54 अर्थात 4554। यह हमारा इस सूत्र के अनुसार हमने एक न्यूनयन पूर्णमेय सूत्र के अनुसार गुणनफल प्राप्त कर लिया। हमारा अभिष्ट गुणनफल है 4554।